दिवाली के टाइम पर मीठा बनाना तो बनता है, सो इसीलिए आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए बेक्ड मोका ओट्स। ये रेसिपी इजी, सुपर क्विक है बनाने के लिए एंड इट्स सुपर हेल्दी टू। चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम ओवन को 180 डिग्रीज पर 10 से 12 मिनट के लिए प्रीहीट पर लगा देंगे। मीनवाइल यहाँ पर हम ग्राइंडर जार ले लेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर बनानास का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने एले की बनाना लिए हैं, ये साइज़ में छोटे होते हैं, इसीलिए मैंने 3 बनानास लिए हैं। अगर आपके पास नॉर्मल बनानास हैं तो आप एक बनाना का इस्तेमाल कर सकते हो। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा, जब भी आप बनाना का इस्तेमाल करें, जो वो बनाना है वो ओवर राइप या अच्छे से राइप हो जाने चाहिए, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बनाना सेटिस्फाई करते हैं हमारे स्वीट टूथ क्रेविंग्स को एंड दे हेल्प कीप यू हेल्दी टू। अब इसके बाद यहाँ पर हम ओट्स डालेंगे। ये मैंने रेगुलर क्विक ओट्स लिए हैं, ये आधा कप ओट्स हैं, इसे भी डाल देंगे हम अपने ग्राइंडर जार में। और उसी के साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, ये अनस्वीटन कोको पाउडर है। और उसी के साथ डालेंगे 2 टेबलस्पून जैगरी पाउडर, आप यहाँ पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसी के साथ डालेंगे यहाँ पर इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, ये 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर है। इससे हमारे डेजर्ट का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और साथ में डाल देंगे आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। और लास्ट में यहाँ पर हम डाल देंगे 3/4 कप मिल्क, ये मिल्क रूम टेम्परेचर पर लिया है। आप यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर ही लेना। जब भी आप बेकिंग करें आप एक चीज़ का ध्यान रखना, सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर ही लेना। ऐसा करने से हमारी बेकिंग बहुत ही बढ़िया बनती है। अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे जब तक ये एकदम से स्मूथ और एरी ना हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, हमें हर सामान को मिक्सी ग्राइंडर जार में डालना है और एकदम से उसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर देख सकते हो हमारा मिक्सचर बिल्कुल एकदम से स्मूथ और एरी हो गया है। अब हम इस मिक्सचर को पोर कर लेंगे सिंगल सर्विंग कंटेनर्स में। ये रेमेकिन कंटेनर्स एकदम से ओवन प्रूफ हैं। आप जो भी बोल का इस्तेमाल करें आप चेक कर लेना कि वो ओवन प्रूफ बोल है। आप इस मिक्सचर को एक बड़े बोल में डालकर भी बेक कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने सिंगल सर्विंग रेमेकिन कंटेनर्स लिए हैं, उन्हीं में बेक करूँगी। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट ली है, इसे मैंने रफली काट लिया है। अब इस डार्क चॉकलेट को हम अपने मिक्सचर के ऊपर डाल देंगे, इससे टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। ये रेसिपी हाई प्रोटीन हाई फाइबर है एंड इट वर्क्स परफेक्ट फॉर डेजर्ट्स एंड इवन फॉर ब्रेकफास्ट टू। अगर आपको डार्क चॉकलेट नहीं पसंद तो आप मिल्क चॉकलेट से भी इसे टॉप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप कोई भी सीड्स या कोई भी ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारे रेमेकिन बोल्स बिल्कुल रेडी हैं ओवन में जाने के लिए। आप सबको मालूम है जो ओट्स हैं दे आर द हेल्दीएस्ट ग्रेन एंड इनक्रेडिबली न्यूट्रिशियस भी हैं, और साथ में ग्लूटेन फ्री भी हैं, एंड दे आर द ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिंस, मिनरल्स और फाइबर। सो फ्रेंड्स, ये डेजर्ट बनाना तो बनता है। अब हम इसे बेक कर लेंगे 180 डिग्रीज पे ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट के लिए। ये वर्सेटाइल रेसिपी है और बिल्कुल केक का टेक्सचर और टेस्ट आता है इस रेसिपी में। इनफैक्ट ये एक गिल्ट फ्री ट्रीट है विच हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ओट्स एंड डार्क चॉकलेट। अब यहाँ पर हमारे मोका ओट्स बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो गए हैं। इन्हें बेक करने के लिए यहाँ पर मेरे ओवन में 23 मिनट लगे टोटल। अब हम इन सब बोल्स को बाहर निकाल लेते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए हम इन्हें ऐसे ही काउंटर टॉप पर छोड़ देंगे हल्का सा ठंडा होने के लिए। ये एक डिलाइटफुल फ्यूजन है टेक्सचर और टेस्ट का। टेंडर ओट्स इन्फ्यूज्ड हैं इंस्टेंट कॉफ़ी और कोको पाउडर के साथ एंड आर बेक्ड फॉर परफेक्शन। और साथ में ये टॉप्ड हैं डार्क चॉकलेट के साथ विच सैटिस्फाइज आर स्वीट क्रेविंग्स। आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, इनफैक्ट ये एक परफेक्ट बैलेंस ब्रेकफास्ट भी है। और साथ में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है इसे बनाने के लिए, बहुत ही इजी, क्विक और जल्दी से बन जाती है ये रेसिपी। ओ माय गुडनेस, दीज चॉकलेट मोका बेक्ड ओट्स आर रिच, चॉकलेटी एंड टेस्ट पॉजिटिवली डिकेडेंट। आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।